और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख करते हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की सीधी तस्वीर है जहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए सांसद रवि किशन भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। आरोग्य मंदिर की ये तस्वीर आप जो है शिलान्यास कार्यक्रम में, आरोग्य मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूजा पाठ चल रही है और इस दौरान सांसद रवि किशन भी आपको नजर आ रहे हैं। लगातार गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो नजर आए, तमाम बड़ी परियोजनाओं की सौगात थी। और अभी ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शिलान्यास कार्यक्रम में, भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोग्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम, साथ ही साथ पोस्टमास्टर ऑफिस की भी सौगात और पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आरोग्य मंदिर उपडाक घर का शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नजर आ रहे हैं। भूमि पूजन का एक कार्यक्रम, उनके साथ सांसद रवि किशन और तमाम जो नेता है वो नजर आ रहे हैं। भूमि पूजन करते हुए तमाम बड़ी सौगातें जो है गोरखपुर को। इधर एक हफ्ते अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक हफ्ते गोरखपुर को बड़ी योजनाएं और सौगातों से नवाजा है। और एक बार फिर आरोग्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोग्य मंदिर उपडाकघर का शिलान्यास कार्यक्रम, दीपक श्रीवास्तव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। दीपक, क्या ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला है? कुछ मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और ये नोडल डिलीवरी सेंटर है जिसका आज लोकार्पण होना है, पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय का लोकार्पण होना है और शिलान्यास है यहाँ पे उप डाकघर का। और ये राप्ती नगरी इलाके में बनाया जा रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री अभी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। साथ ही आज मुख्यमंत्री गोरखपीठ रुकेंगे और कल और परसों दो दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके गोरखपुर में है, तो आज का एक कार्यक्रम मात्र ये है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री दिव्य सिंह चौहान भी मौजूद है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद है और भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो अब यहाँ पे संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में अब मंच पर पहुंचने वाले हैं और जो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत है वो यहाँ पे होने वाली है। देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें पोस्टल डिपार्टमेंट पे लगातार मोदी सरकार अपनी तरफ से उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लगातार उसको नए आधुनिक संसाधनों से युक्त करने की कोशिश कर रही है। और आज का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये जो जनरल कार्यालय था पोस्टमास्टर का, ये पहले रेलवे स्टेशन पर हुआ करता था, लोगों को काफी दिक्कतें हुआ करती थी। लोग जब वहां पे अपने किसी पार्सल को या अपने किसी पोस्ट को लेकर के जाते थे, अलग बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार से अपील करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पहल करके इस कार्यक्रम को और इस शिलान्यास कार्यक्रम को रखवाया ताकि यहाँ पे लोगों को पर्याप्त स्पेस मिल सके, टाइम मिल सके और लोगों का जो कार्य है वो आसान हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रयास किया था। और आज उसका अगर तो शुरुआत होने जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी भूमि पूजन किया है और अब जो नई बिल्डिंग बनी है उस नई बिल्डिंग में निरीक्षण कर रहे हैं वो कि किस तरह से आम लोगों को यहाँ से सुविधाएं मिल सकेंगी, किस तरह से आम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के इस कार्यालय में आकर के अपने पास को बुक कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में जो यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट जानकारी है उनसे वार्ता चल रही है और कुछ मिनटों में अभी मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री का आगमन होगा और जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ मुख्यमंत्री जो शिलापट लगाए गए हैं उसका वो इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। जी, कितनी बड़ी सौगात आम जनता के लिए, कितनी सहूलियत भरी सौगात ये? देखिए, कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट आज भी ग्रामीण
इलाकों में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। शहरी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, और इसी प्रयास की बदौलत अगर कहें तो गोरखपुर में जो कार्यालय बना है इसे गोरखपुर नहीं बल्कि आसपास के दो दर्जन से अधिक के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट पे जो पुरानी बिल्डिंग थी वो काफी जर्जर हो चुकी थी, वहां पे जो कर्मचारी थे वो नहीं कर पा रहे थे। वैसे में इस नई बिल्डिंग की शुरुआत होने से निश्चित रूप से इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा और जो स्थानीय के कर्मचारी उनको भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अपनी देखिए मुख्यमंत्री स्वराज मंत्री के साथ है, केंद्रीय संचार मंत्री जी चौहान है, और ये जो कार्यक्रम है ये अब औपचारिक तो आरोग्य मंदिर डाकघर का शिलान्यास करने के बाद आप देख सकते हैं जो नई बिल्डिंग बनी है वहां उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पोस्टमास्टर ऑफिस की, ये बड़ी सौगात जो है आरोग्य मंदिर का शिलान्यास और पोस्टमास्टर ऑफिस की ये सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर और अब से कुछ ही देर बाद वो लोगों को जो वहां पर मौजूद हैं उनको संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि उनका दो दिन का कार्यक्रम है गोरखपुर में कल और परसों, और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोस्टमास्टर जनरल ऑफिस की सौगात जो है आज देंगे, और सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आरोग्य मंदिर का शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वहां से ये तस्वीरें, सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो लगातार बात की जाए गोरखपुर को कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार की तरफ से मिलती हुई नजर आई हैं, और इस बीच एक और ये बड़ी सौगात एक बड़ा शिलान्यास कह सकते हैं पोस्ट मास्टर ऑफिस की सौगात जो है जनरल ऑफिस की सौगात जो है वो मिली। इसके अलावा आरोग्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम एक बड़ी सौगात के रूप में आम जनता को बड़ी राहत जो है इससे मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधी तस्वीरें गोरखपुर की आप देख रहे हैं जिसमें कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सांसद रवि किशन मौजूद है, और कुछ ही देर बाद वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया है, और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते आगे फरुखाबाद से बड़ी